हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद मैंने फिर से आज एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं कोई बुक का रिव्यू नहीं करूँगा। मैं आज इन्फिनिटी इंजीनियरिंग एकेडमी का जो डिफिनेशन चार्ट है, आप लोग बहुत सारा वीडियो में यूथ पब्लिकेशन का जो फॉर्मूला चार्ट है और जो सिविल बूस्टर के साथ जो चार्ट फ्री देता है, वो जो चार्ट है आप लोग बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में आप लोग देख लिया। बट आज मैं जो चार्ट लेके आया हूँ वो एकदम नया कॉन्सेप्ट है। इसमें जो डेफिनेशन है सिविल इंजीनियरिंग का, जो डेफिनेशन है सभी डेफिनेशन इसमें है। तो इन्फिनिटी एकेडमी इंजीनियरिंग एकेडमी का ये जो चार्ट है, इसका प्राइस है 260 रुपीज़। मैं जब लिया था 260 रुपीज़ है। तो इसमें सभी डेफिनेशन इसमें है, टोटल सिक्स चार्ट इसमें है। ठीक है, तो पहले जो चार्ट है इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स का जो पार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल का जो डेफिनेशन है सभी इसमें है। देखिए, पहले इनिशियल सेटिंग टाइम डेफिनेशन, फाइनल सेटिंग टाइम, फ्लैश जेट, सेग्रेशन, ब्लेडिंग, देन हर्श, ट्रांसपेरेंट कंक्रीट, लीन कंक्रीट, सभी डेफिनेशन इसमें है। देखिए, तो इसमें जो पहले जो चार्ट में दिया है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है सभी इसमें, देखिए इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ट्रेड, राइजर, सभी इसमें दिया है। पहले जो चार्ट है, चार्ट नंबर वन में, ठीक है। तो चार्ट नंबर टू में क्या दिया है, देखिए चार्ट नंबर टू में दिया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का जो डेफिनेशन है, स्ट्रेंथ, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, इंपैक्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, फिटिक, क्रीप, स्टिफनेस, सभी इसमें दिया है। जो थर्ड जो पार्ट है उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो पार्ट है, जो शेड्यूलिंग, नेटवर्क, इवेंट, जो ड्यूअल रोल इवेंट एक्टिविटी, सभी इसमें दिया है। फोर्थ पार्ट में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोलते हैं। तो इसमें स्टैटिकली डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का डिफिनेशन थोड़ा बहुत दिया है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस में थोड़ा दिया है पॉइंट। उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर दिया है, पिच, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, गेज, नेट एरिया, फ्लोर, सब इसमें दिया है। एंड लास्ट में रेनफोर्समेंट, सीमेंट, कंक्रीट, इसमें दिया है। जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें दिया है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में जो डिफिनेशन है, स्पेसिफिकेशन, एस्टिमेट, देन कॉन्टीजेंसीज, वर्क चार्ज, एस्टेब्लिशमेंट, कैपिटल कॉस्ट, लेट, लिफ्ट, सभी इसमें दिया है। उसके बाद दिया है सर्विंग। सर्विंग में क्या दिया है, देखिए प्लेन सर्विंग दिया है, ज्यूरोटिक सर्विंग दिया है, देन प्लेन स्केल डायग्राम्स का जो भी डिफिनेशन है, आप लोग एग्जाम के पहले इस चार्ट देख के रिवाइज कर सकते हैं इजी प्रोसेस में। उसके बाद फ्लूइड मशीन दिया है। फ्लूइड मशीन के बाद दिया है टर्निंग पार्ट दिया है। उसके बाद फोन नंबर जो पार्ट है उसमें दिया है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, ऑर्गेनिक सोयल, इनऑर्गेनिक सोयल, देन लोम, ह्यूमस, पेट, जो इजी, टफ, जो डिफिनेशन है सभी इसमें दिया है। उसके बाद आया है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में जो कैचमेंट एरिया, रेसिडेंस एरिया, रेन, ड्रिजल, स्लेट, हेल्स, रेन गेज, सब इसमें दिया है। जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसमें दिया है फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड काइनेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेट्रिक्स, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सभी डेफिनेशन इसमें दिया है अच्छे से। उसके बाद दिया है इरिगेशन। इरिगेशन का जो पार्ट है, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, ग्रेविटेशनल वाटर, सेचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, कॉरोटरिंग, क्रॉप रेशियो, सभी डेफिनेशन इसमें दिया है बहुत अच्छे से। तो आप लोग इस चार्ट को ले सकते हैं। जो लास्ट वाला जो चार्ट का पार्ट है उसमें दिया है हाईवे इंजीनियरिंग का। तो हाईवे इंजीनियरिंग का जो डेफिनेशन है, हाईवे अलाइनमेंट, चैम्बर, क्रॉस लोप और कर्व, राइट ऑफ वे और रोड लेंथ, वेट, साइड डिस्टेंस, इसमें दिया है।
उसके बाद दिया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो मिस्ट करके दिया है, जो हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है और जो जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट टू है पब्लिक वाटर सप्लाई जो है उसमें मिस्ट करके इसमें दिया है। देखिए इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, इन्फिल्ट्रेशन ऑयल्स, स्प्रिंग्स, देन एयर वाल्व्स सभी इसमें दिया है। प्री क्लोरिडेशन, पोस्ट क्लोरिडेशन इसमें दिया है। उसके बाद थोड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, तो ब्रिज इंजीनियरिंग सभी जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसमें नहीं आता, तो आप लोग इस जो चार्ट है इसमें ब्रिज इंजीनियरिंग भी दिया है। एंड लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिफिनेशन इसमें दिया है। तो मुझे लगता है जो सिविल इंजीनियरिंग का जो 80% और 70% डिफिनेशन, जो स्मॉल स्मॉल डिफिनेशन है इसमें आपको मिल जाएगा, आप जो चार्ट है ले सकते हैं। तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे लगा जो पहले का जो मैंने जो बिल्डिंग मटेरियल्स का जो चार्ट था वही बेस्ट है, क्योंकि उसमें डेफिनेशन बहुत सारा दिया है, ए टू जेड डेफिनेशन इसमें दिया है। बट बाकी जो पांच जो चार्ट है उसको छोड़ के, बिल्डिंग मटेरियल्स का पार्ट छोड़ के, उसमें डेफिनेशन थोड़ा कम दिया है, तो आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन थोड़ा भूलने का प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं। तो अच्छा लगा, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, फीवर था, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया। तो मेरा जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और आप कमेंट करना कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।